त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुट गया है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मतदान कार्मिकों को 6 अप्रैल से 3 पालियों में तारामंडल स्थित योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं एनएक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें जिले में 24,000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी मतदान कार्मिकों को उनके प्रशिक्षण की तिथि के बारे में जानकारी पहले से ही दे दी गई है। तिथि अनुसार मतदान कार्मिकों को अपने अपने समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां पर मुख्य प्रशिक्षक मतदान कार्मिकों को बैलेट पेपर को कैसे रखना है, किस तरह से मतदान शुरू होने से पहले और मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशियों को दिखाकर मतदान सकुशल संपन्न कराना है। वहीं दूसरी ओर मतदान कार्मिकों को बैलेट बॉक्स को भी हैंडल करना सिखाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चुनाव प्रशिक्षक सुभाष चंद्र सिंह एवं एस के सिंह ने कहा, परमिट है वो निकालिए, उसमें जो भी एंट्री डिमांड की, और उसके बाद जो वहां पर आपके बूथ के लिए सुरक्षा बल दिया गया है उसका जो हेड है उसको उस फॉर्मेट के साथ उस मतदाता को, फेक मतदाता को हैंड ओवर कर दीजिए और उससे एक रसीद लेकर के लिफाफे में रख लीजिए कि हाँ इस SHO को हमने ये फॉर्मेट के साथ वो हैंड ओवर किया और उसकी रसीद हमने रख ली। इस तरह से चैलेंज मत है और फेक होने की स्थिति में कार्रवाई कर लें, इस तरह काम करना। फिर दूसरी विशेष स्थिति है, आपको पता है कि एक मतदाता को एक ही प्रकार के मतदान में एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो ऐसे मतदाता और लग रहा है कि इनका आइडेंटिफिकेशन सही है, ये भी मतदाता यही वाला लग रहा है और पीछे से कोई आपत्ति भी नहीं है कि ठीक है आपका मैं वोट पड़वाऊंगा डलवाऊंगा, ये केस भी सब पीठासीन के अधिकारी जो भी विशेष स्थितियाँ उत्पन्न होंगी सब कहाँ रेफर की जाएंगी, पीठासीन अधिकारी के पेवर पर। तो पीठासीन अधिकारी कहेंगे ठीक है आपको, यही इकलौता मत है, निविदत्व वाला मत जो पेटी में नीचे निकाल लें और उसमें उस मतदाता से संबंधित डिटेल भरेंगे और उसमें उसके कालम में मुहर और लाके हमारे बैलेट बॉक्स में डाल दो। अगर वो दो तरफ प्रिंट होगा जैसे 24 का होगा या और का होगा तो उसको कैसे मोड़ेंगे, उसको हम चौथाई मोड़ेंगे, इधर का ऐसा मोड़ेंगे, इधर का है कि ऐसे मोड़ेंगे, इधर तो हम ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद दोनों बंद हो गए उस सीट में और उसके बाद 20 एक बार ऐसे मोड़ेंगे ऐसे मोड़ेंगे, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तैयार करके उसमें वोट डलवाएंगे। जो मतदाता के बाईं रंगनी में लगाया जाना है कि कुछ गीली टाइप की मिट्टी नया आसान होगा गिरेगी, पता लगेगा गिर गए तो आपका अभिलेख भी गंदा कर देगी और अगर स्याही गिर गए तो आपको स्याही वहां दूसरी मिलेगी। अगला पॉइंट है पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं, जब पीठासीन अधिकारी महोदय पहली और मतदान समाप्ति के समय 3 घोषणाएं हैं जो आपके पुस्तक में भी पेज संख्या 61, 62 और 77 में है, प्रपत्र 25 है, मतदान प्रारंभ होने की पूरी की घोषणा पेज नंबर 61, नई मतपेटी लगाने के संबंध में घोषणा ये 62 पे है और मतदान के अंत में घोषणाएं पेज 77 पर, इसलिए यही लिखा गया है कि हमने मतदान कर्ताओं को दिखा दिया पेटी खाली है और उसमें जिस तरह का वोट पहले से नहीं पड़ा हुआ है और उसमें मतदान अधिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेना है और लास्ट में भी यही होगा कि मतदान समाप्ति पर मैंने लिखा दिया सील लगा दिया और वो जो है उनके हस्ताक्षर प्राप्त के लिए।
मैं डॉक्टर भूपेन कुमार सिंह हूँ, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। मैं, मेरे साथ एक और हैं मनोज गुप्ता जी, वो PWD में सहायक अभियंता है। हम दो लोग जो हैं यहाँ बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में 6 से 11 तक हम लोग की पूरी जिम्मेदारी है और पूरा काम यहाँ प्रशिक्षण का हो रहा है। हाँ, ये दिनांक 6 से प्रारंभ है और ये 11 तक चलेगी। आज ये इसका 5वां दिन है और पहला सत्र है। प्रत्येक दिन 3 सत्र चलते हैं, 2-2 घंटे के, लगभग 9 बजे से 5 बजे तक ये सत्र चलते हैं 3 सत्रों में। मेरा नाम सुभाष चंद सिंह है, मैं चरगावा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो हैं डॉक्टर AK शुक्ला जी हैं, वो सहायक निदेशक मत्स्य हैं। हम दोनों लोग मिलकर कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव 15 तारीख को जनपद गोरखपुर में होने जा रहा है, उस संबंध में जितने भी मतदान कार्मिक हैं, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनका प्रशिक्षण जो है आज 5वां दिन चल रहा है। यहाँ पर इनको ये बताया जा रहा है कि कैसे जाएंगे ब्लॉक पर, तो अपने सामान को प्राप्त करेंगे, सभी विधिवत मिला लेंगे, मत पेटी जो वहाँ मिलेगी उसको खोल कर देख लेंगे कि सही ढंग से खुल रही कि बंद नहीं हो रही है, सभी मतपत्रों को सही ढंग से मिला लें। उसके बाद जो सरकारी बस है, सरकारी साधन है, उसी से अपने ब्लॉक पर जाएंगे। वहाँ पर बूथ को भी देख लेंगे कि बूथ सही ढंग से बना है कि नहीं बना है, मतदान कार्मिकों को बैठने की सही ढंग से व्यवस्था है कि नहीं है। कोरोना काल जो चल रहा है इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो पोलिंग एजेंट है उनको भी बैठने की व्यवस्था कराएंगे। और प्रातः 15 तारीख को 7 बजे जो प्रारंभ होना है, इसमें देख लेंगे कि समय से ही मतदान प्रारंभ हो जाए, सभी जितने भी मतपत्र हैं उसको सही ढंग से मिला लें कि उसी बूथ का मतपत्र है कि नहीं। जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके दो दो मतदान जो एजेंट हैं उनको एजेंट बनाएंगे और देखेंगे कि एक समय में एक ही मतदान पोलिंग एजेंट वहाँ पर रहे। और समय से चूँकि चुनाव प्रारंभ होकर 6:30 तक होना है, इसलिए सभी को सही ढंग से रखें। किसी भी पोलिंग एजेंट के लिए मोबाइल अलाउड नहीं है, मतदान कार्मिक भी अपना मोबाइल साइलेंट में रखेंगे। 2-2 घंटे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट इनसे पूछेंगे कि कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला, कितने महिलाओं ने डाला, उसका भी सूचना ये संकलित रखेंगे। और किसी भी कारण से मतदान बाधित न हो इसका पूरा ख्याल ये मतदान कार्मिक रखेंगे। और शाम को जब बूथ पर वोटिंग समाप्त हो जाती है तो ये सभी जितने लिफाफे सामुदायिक लिफाफे हैं उसको तैयार कर लेंगे और समय से ब्लॉक पर जाकर सभी सामग्री वापस कर देंगे। इसकी पूरी विधिवत इनको प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। सर, कितने यहाँ पर 3 पालियों में इनका प्रशिक्षण चल रहा है। पहला पाली है प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक, दूसरा 11 से 3, तीसरा है 2 बजे से 6 बजे तक, और एक पाली में 240 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार से एक दिन में 720 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कार्मिक किसी कारण से अनुपस्थित हैं इनका कल 11 तारीख को छूटे हुए जितने कार्मिक हैं सबका प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण बहुत सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, कोई व्यवधान नहीं हो रहा है और विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्मिक यहाँ से जा रहे हैं।